जय हिंद। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब ने आज बम्बई में मसगांव में 2 समुद्री लड़ाकू जहाज़ों का उद्घाटन करा है, उनको लॉन्च करा है, INS सूरत और INS उदयगिरी। अब INS सूरत और INS उदयगिरी दोनों आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। इनको इंडिजिनस कंपनीज हिंदुस्तान की उनका कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे इनको यहाँ पे जोड़ के मैन्युफैक्चर किया गया है। इनकी बहुत खासियत है और ये स्टेल्थ यानी कि खामोशी से स्टेल्थ मिसाइल लॉन्चर है। इनमें एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंसर, एडवांस प्लेटफॉर्म और दोनों जहाज़ों में कई तरीके की आगे जाके टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुई है। राजनाथ सिंह साहब ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान केवल आत्मनिर्भर भारत ही नहीं, मेक इन इंडिया ही नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान मेक फॉर द वर्ल्ड की कार्रवाई करे, मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए बनाए जहाज। और जहाँ पे देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट काफ़ी अफेक्ट हुई है कोविड क्राइसिस की वजह से, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से, वहाँ पे एक तरफ हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है टेक्नोलॉजी में। अब INS सूरत जो है वो प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है, डिस्ट्रॉयर है, और जो INS उदयगिरी है वो P-17A का हिस्सा है। और इससे हिंदुस्तान की ताकत समुद्री तटों पे बहुत बढ़ जाएगी, केवल इंडियन ओशन में ही नहीं, उनकी डोमिनेंस इंडो पैसिफिक में भी, जो रेकनेंस होती है, जो हम पेट्रोल करते हैं, जो रेकी करते हैं, जो हम एरिया डोमिनेशन करते हैं ना, उसी तरीके से समुद्री डोमिनेशन भी होता है। तो उस तरीके से ऐसे एडवांस्ड जहाज़ों से हमारी ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी। और जो INS उदयगिरी है जो कि P-17B का हिस्सा है, इसमें टोटली 7 जहाज़ मैन्युफैक्चर करने हैं, समुद्री जहाज, और 4 तो मसगांव में और 3 अलग वहाँ पे। तो इससे मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी इंडियन नेवी को, हमारी भारतीय फौज को, भाई हिंदुस्तान दिखा रहा है रास्ता पूरी दुनिया के लिए कि कोविड क्राइसिस में भी जहाँ पे रूस और यूक्रेन का जंग चल रहा है, वहाँ पे उस तरीके से फिर भी बिना अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी एडवांसमेंट्स बहुत ही अच्छी तरक्की कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान ऐसे ही तरक्की करता रहेगा और जल्दी जल्दी जल्द से जल्द हम एक विश्व गुरु बनेंगे। जय हिंद।